फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल 11 काफी समय से चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में इस शो का फिनाले बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। संगीत के इस महासंग्राम में सुरों के महारथियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, साथ ही सुरों को लेकर जबरदस्त जंग भी छिड़ी। इंडियन आइडल के सीजन में लंबा सफर तय करने वाले कलाकारों का सपोर्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे। सुरों को लेकर चल रही जंग में इस साल इंडियन आइडल का खिताब सनी हिंदुस्तानी के नाम रहा। बता दें कि सनी हिंदुस्तानी को इंडियन आइडल 11 की ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए का इनाम मिला। उनके बाद पहले और दूसरे रनर अप को 5-5 लाख रुपए दिए गए। पहले रनर अप रोहित राउत रहे, अकोना मुखर्जी दूसरी रनर अप रही, तीसरे और चौथे रनर अप अद्रिज घोष और रिदम कल्याण रहे। ग्रैंड फिनाले में कंटेस्टेंट ने पूरे जोश के साथ परफॉर्म किया। इंडियन आइडल 11 का खिताब अपने नाम करने वाले सनी हिंदुस्तानी की बात की जाए तो ये खिताब जीतने के बाद सनी की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे जैसे शो फिनाले की ओर आ रहा था, वैसे वैसे ऑडियंस ये कयास लगा रही थी कि इस बार सनी इंडियन आइडल का खिताब जीतेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि सनी हिंदुस्तानी और रोहित राउत में से कौन इंडियन आइडल का विनर होगा। वहीं जब शो की तरफ से रोहित की कुछ बातें शेयर की जा रही थी, तब ऑडियंस का ये भी कहना था कि मेकर्स रोहित को सपोर्ट कर रहे हैं और रोहित को जिताना चाहते हैं, लेकिन सनी की मेहनत और ऑडियंस का भरोसा रंग लाया और सनी हिंदुस्तानी इंडियन आइडल के विनर बने। सनी का इंडियन आइडल का सफर बहुत संघर्षों भरा रहा है। सनी हिंदुस्तानी इंडियन आइडल में आने से पहले बूट पॉलिश किया करते थे। सनी के पिता बूट पॉलिश का काम करते थे और पिता के गुजर जाने के बाद सनी ने भी घर चलाने के लिए बूट पॉलिश का काम किया। शुरू से ही सनी को गाने का शौक था जो उन्हें इस मंच पर ले आया। सनी के ऑडिशन से लेकर अभी तक की जर्नी की बात की जाए तो ऑडिशन राउंड में सनी हिंदुस्तानी ने अपने सिरों से सभी जजेस को शॉक में डाल दिया था। इसके बाद सनी ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता। एक टाइम वो भी आया जब कंटेस्टेंट रहते हुए भी सनी ने बॉलीवुड में डेब्यू दिया। सनी की आवाज़ का जादू लोगों पर इस तरह चढ़ा कि उन्हें बॉलीवुड से गाने के ऑफर आने लगे। सनी ने अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू हिमेश रेशमिया की मूवी द बॉडी के गाने रोम रोम से किया था। सनी के इस गाने को बहुत पसंद किया गया, सभी ने सनी की जमकर तारीफ की। सनी यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। सेट पर जब किशोर दास स्पेशल हुआ तब किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार सेट पर पहुंचे। अमित कुमार को सनी की आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने सेट पर ही सनी को साइन कर लिया। अमित कुमार ने सनी को अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए साइन किया जिसे वो जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद सनी के हाथ एक और मौका लगा जब उन्हें शंकर एहसान के साथ गाने का मौका मिला। कंगना रनौत स्टारर मूवी पंगा में भी सनी ने अपनी आवाज़ दी। पूरे सीजन में सनी ने अपने गानों से सभी का दिल जीता। सनी अक्सर नुसरत साहब के गाने गाते देखे जाते हैं। वो नुसरत साहब के सहयोगी रोशन अली साहब के साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं। दो बॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज़ देकर और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए साइन कर अपनी मेहनत के बल पर सनी हिंदुस्तानी इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहे। इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम करने के बाद सनी ने कुछ बातें कहीं जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सनी हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि विनर की ट्रॉफी मेरे हाथ में है, मैं कैसे बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। मैं यहां जो सपना लेकर आया था वो इंडियन आइडल ने पूरा कर दिया। मेरी माँ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है और उसे देख कर मुझे बहुत खुशी हुई है। आगे सनी ने अपनी माँ और इंडियन आइडल को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद कहा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.